हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। वेलकम टू द फ्राइंग पैन। हम सबको डोमिनोज की चीजी गार्लिक ब्रेड बहुत पसंद है। मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे घर पे ट्राई करूं। एंड गेस व्हाट, बिल्कुल डोमिनोज वाली फीलिंग आ गई। इसलिए आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी देखते हैं डोमिनोज स्टाइल चीजी गार्लिक ब्रेड की। पहले दो के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 2 क्लब्स गार्लिक, एक्टिव यीस्ट, मैंने एडमंड्स का 1 टीस्पून एक्टिव यीस्ट यूज किया, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून शुगर एंड 1 टेबल स्पून बटर। सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिवेट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म मिल्क लिया है, गुनगुना गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं और ना ही ठंडा। फिर इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं और तब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून एक्टिव यीस्ट। अगर आपके पास इंस्टेंट यीस्ट है तो आप कम यूज़ करिएगा, 7 ग्राम जो एक सैशे होता है उतना ही यूज़ करिएगा। और इसे अच्छे से चलाना है क्योंकि यीस्ट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है अच्छी ब्रेड बनाने के लिए, तभी ये वर्क करेगी। और मैंने यहाँ पे शुगर डाला है जो कि यीस्ट के फूड की तरह वर्क करती है, इसलिए इस स्टेज पे शुगर डालना ज़रूरी है। और मिल्क बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और ना ही ठंडा हो, बीच का टेम्परेचर हो। और इसको ढक कर रख देंगे प्रूफ होने के लिए और ये अप्रोक्स 10 मिनट्स में प्रूफ हो जाएगी। तब तक हम सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं एक बोल में। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जो मैदा लिया था वो छानकर यूज़ किया है। छानना ज़रूरी है, इससे आपके फ्लावर में एयर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदे को छान लिया है। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, इससे ब्रेड का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 कप मैदे के लिए इतना सॉल्ट सफिशियंट है, वैसे आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो हम डो में गार्लिक का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन चॉप करके डाल लिया है। आप डो में गार्लिक पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्रेश गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पूरे ब्रेड में, तो मैंने यहाँ पे इसे डो में ही मिक्स कर लिया है। और इसे थोड़ा अच्छे से चला लेते हैं और फिर इसमें डालेंगे यीस्ट, देखते हैं वो कैसा एक्टिवेट हुआ है। इसे मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ और आप देखिए ये ऊपर बबल्स आ गया है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छा एक्टिवेट हो गया है। अब एक्टिवेटेड यीस्ट को हम मिक्सर में डालते हैं फ्लावर के और इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। इस ब्रेड को घर पे बनाने का प्लस पॉइंट ये है कि हमें पता है हम इसमें क्या डाल रहे हैं और इसे कितनी सफाई से बना रहे हैं, तो इसे घर पे बनाना इज वेरी गुड आइडिया। एक्टिवेटेड यीस्ट मिक्सर यूज करने के अलावा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और डालेंगे, ल्यूक वार्म पानी, गुनगुना पानी, ठंडा पानी नहीं डालना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालते जाएंगे और इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 कप गुनगुना पानी यूज किया है मिक्सर के अलावा, सो आपको जितना रिक्वायर्ड है आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा और इसका सॉफ्ट डो रेडी कर दीजिएगा। नाउ इट्स द टाइम टू गेट हैंड्स डर्टी। तो अब इसे हाथों से अच्छे से मलेंगे, लेकिन रिमेम्बर वॉश हैंड्स बिफोर यूज। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके बटर डालेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। टोटल 1 टेबल स्पून बटर यूज़ किया है मैंने। बटर से ब्रेड बहुत सॉफ्ट आती है। अगर आप सोचेंगे कि इसमें बटर ना डालें या बहुत कम डालें तो ब्रेड में सॉफ्टनेस उतनी नहीं रहेगी। इसे बहुत अच्छे से नीट करना है, 10-15 मिनट लग सकते हैं इसको नीट करने पे। तो आप इसे टेबल टॉप पे निकालिए और इसको थोड़ी देर तक आराम से नीट करते रहिए। इस रेसिपी में बस यही एक स्टेज है जहाँ थोड़ा मेहनत लगती है,
बाकी पूरी रेसिपी को बनाने में तो बहुत मजा आता है, आप देखिएगा आगे। ये मैंने इसको 15 मिनट तक अच्छे से नीट करा है। इस स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आपका ये डो समेट नहीं रहा है, गीला हो रहा है, तो आप थोड़ा सा फ्लावर इसमें डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं जस्ट हाथों से थोड़ा सा, बिल्कुल जितना कम पॉसिबल हो उतना फ्लावर डाल के, आटा डाल के उसको अच्छे से बराबर कर लीजिए और ये एक खट्टा हो जाएगा, एक डो फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इसे रख देंगे प्रूफ करने के लिए, मतलब इसको फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। तो 2 घंटे में ये अच्छा प्रूफ हो जाएगा, इसलिए इसे एयर टाइट क्लोज करके किसी कपड़े से भी ढक सकते हैं, क्लिंग रैप से भी ढक सकते हैं। उसे मैंने क्लिंग रैप से ढका है और मैं इसे 2 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए रख देती हूँ। हमें गार्लिक ब्रेड दी है इटली ने और वहाँ पे ये अलग ही स्टाइल में बनाया जाता है। आपको अगर इटालियन स्टाइल गार्लिक ब्रेड की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं फ्यूचर में आपको उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये देखिए डो कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है, पहले से ये अभी डबल हो गया है। डो तो अच्छे से प्रूफ हो गया है, हम इसे साइड में रख देते हैं और तब तक गार्लिक बटर रेडी कर लेते हैं। गार्लिक ब्रेड है तो गार्लिक बटर तो लगेगा ही, तो तब तक गार्लिक बटर रेडी कर लेते हैं। गार्लिक बटर बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली बहुत टेस्टी गार्लिक बटर घर पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा नॉर्मल बटर, जो भी आप खाते हैं सॉल्टेड, उसमें मैं डालूंगी गार्लिक पाउडर, ये ज़रूर डालेगा। आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश गार्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यूज़ किया है और ओरिगेनो लीव्स, और साथ में जाएगा ये स्केलियंस। ये यहाँ पे मैंने हरा प्याज छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें धनिया भी छोटा छोटा काट कर डाल सकते हैं। मैंने इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है बटर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं मेल्ट किया है वरना वो अजीब सा उसका टेस्ट हो जाता है पूरा मेल्ट होने पे। स्केलियंस डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी ओरिगेनो, फिर चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, जैसे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं स्पाइसी खाते हैं तो, और फिर इसमें जाएगा सादा सा गार्लिक पाउडर, क्योंकि गार्लिक बटर है तो अच्छा गार्लिक फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा गार्लिक पाउडर डाला है। गार्लिक पाउडर इज़ गुड ऑप्शन, नहीं है तो आप यूज़ करिएगा फ्रेश गार्लिक, उससे भी बहुत अच्छा स्मेल आएगी, बहुत अच्छी फ्लेवर आएगा। थोड़ा इसे मिक्स कर लेते हैं और गार्लिक बटर रेडी है, बिल्कुल सही टेक्सचर है इसका बटर का, अभी ये रेडी है। अब हम चलते हैं अपने ब्रेड के पास और उसको एक बार नीट कर लेते हैं फॉर 2-3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसकी एयर निकाल देनी ज़रूरी है सारी, जितना प्रूफ हुआ है। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा आटा डालकर यहाँ पे इसको एक सा कर लेते हैं। ये एक डो फॉर्म में रेडी हो गया है, अब इसे बेलना है, और बेलने के लिए बेलन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमारा डो बहुत सॉफ्ट है इसलिए ये हाथ से बहुत इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इसे अपने हाथों से अच्छे से पूरा फैला लीजिए, थोड़ा पतला कर लेते हैं जैसे हम पिज़्ज़ा को करते हैं। मैंने ब्रेड को बेकिंग पेपर में फ्लैट किया है, इससे ये चिपकेगा नहीं और मैं इसे डायरेक्ट ऐसे बेक कर सकती हूँ। और आप अगर इसे किसी बर्तन में करेंगे और फिर ये दोबारा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आएगी और इसे फैलाने में भी दिक्कत आएगी, इसलिए इसको बेकिंग पेपर में फ्लैट करना है। फिर इसमें अंदर थोड़ा सा गार्लिक बटर लगाएंगे, अच्छे से इवनली हाफ में लगाएंगे, पूरे में लगाने की ज़रूरत नहीं है। बटर लगाने के बाद इसकी स्टफिंग करेंगे और मैं स्टफिंग में सिर्फ चीज़ यूज़ करूँगी, मोज़रेला चीज़, वो बहुत अच्छी स्प्रेड होती है। मैंने यहाँ पे ये वाली मोज़रेला चीज़ यूज़ करी है, आप कोई भी मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं चीज़ के साथ, कॉर्न, एलोपिनोज, या फिर आप ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसके अंदर किस चीज़ की फिलिंग करी, अपने कौन से टेस्ट को इसमें लेकर आए। मुझे थोड़ा सिंपल पसंद है इसलिए मैंने इसमें चीज़ यूज़ किया है। उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा ओरिगेनो एंड देन थोड़ा चिली फ्लेक्स। यहाँ पे थोड़ा जनरस अमाउंट में चीज़ डालिएगा, प्लीज़ डोंट स्किप दिस स्टेप, चीज़ गोज़ रियली वेल विद दिस टाइप ऑफ गार्लिक ब्रेड, चीज़ स्टफ्ड। अब इसको बहुत आराम से बहुत प्यार से फोल्ड करेंगे एंड बी केयरफुल,
मैंने यहाँ पे बेकिंग पेपर यूज़ किया था, इसलिए बहुत इजीली ये फोल्ड हो गया है। आप अगर इस ब्रेड को स्प्रेड करें तो या तो नीचे थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करें या उसको अच्छे से ग्रीस करें। अगर बेकिंग पेपर है तो बेकिंग पेपर में ही स्प्रेड करिएगा। फिर इसके एजेस को अच्छे से सील करना है जिससे चीज़ बाहर नहीं आए। अगर चीज़ बाहर आ जाती है तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और उतना मज़ा नहीं आता है। सो इसके एजेस को हम अच्छे से सील कर देते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट है और ग्लूटेन होने की वजह से आप जब इसको सील करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। गार्लिक ब्रेड को स्टिक्स में सेपरेट करने के लिए इसको पहले से थोड़ा कट कर लेते हैं बेक करने के पहले। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसको नीचे तक नहीं काटना है, सिर्फ इसके ऊपर की लेयर मैंने काटी है। जो इसका बेस है वहाँ मैंने अपनी बटर नाइफ को टच भी नहीं किया है, तो जस्ट ऊपर के साइड से ही इसको कट करना है। इसमें बटर लगा देंगे ऊपर से, जो गार्लिक बटर हमने रेडी किया था वो। बटर इसके एजेस तक नहीं लगाना है वरना वो बहके नीचे तक आ जाएगा। बटर लग गया है, उसके बाद मैं इसको वापस से एक बार नाइफ से कट कर लूंगी जिससे स्टिक्स अच्छे से सेपरेट हो जाएं। ब्रेड बेक करने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले हम इसमें मिल्क वॉश लगाएंगे। इससे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल कलर आता है इसमें। इसके एजेस में जहाँ हमने बटर नहीं लगाया था वहाँ हम लगाएंगे मिल्क वॉश। आप चाहे तो आप यहाँ पे एग वॉश भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वेजिटेरियन डिश है तो इसलिए मिल्क वॉश ठीक है। मैं गार्लिक ब्रेड को अवन में बेक करूँगी। आप चाहे तो आप इसे गैस में भी बेक कर सकते हैं, कोई कढ़ाई रखकर, तंदूर रखकर, या फिर कुकर में भी आप बेक कर सकते हैं अगर बड़ा कुकर है तो। अब इसे बेक करने रख देते हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। मेरा अवन प्री हीटेड है, मैंने इसे प्री हीट में लगा दिया था फॉर 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसे बेक करूंगी, लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसे बहुत ऊपर नहीं ट्रे को सेट करना है, ना बहुत नीचे, मिडिल में रखेंगे। आई होप आप मेरी रेसिपीज़ को इन्जॉय कर रहे होंगे और प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल द फ्राइंग पैन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। 15 मिनट हो गए हैं, गार्लिक ब्रेड को अवन से निकालने का टाइम आ गया है। ओह माय गॉड, लुक एट द कलर ऑफ द ब्रेड एंड बी केयरफुल, बहुत हीटेड है अवन। इतनी सुंदर ब्रेड है, एक बार में देखिए आप, मैंने मिल्क वॉश लगाया था तो कितना सुंदर कलर आया उसके साइड से, वो लगाना बहुत ज़रूरी है। और ब्रेड बहुत ही परफेक्ट बनी है, ना चीज़ बाहर निकला है। गार्लिक फ्लेवर को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए और ग्लॉसी टच के लिए इसमें लगाएंगे एक बार थोड़ा सा गार्लिक बटर फॉर ब्यूटिफुल टेक्स्चर एंड ग्लॉसी लुक। मैंने ये रेसिपी आपको बहुत ही डिटेल में और छोटी छोटी टिप्स के साथ बताई है, इसलिए आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ब्रेड को स्टिक्स में काट लिया है, अब उसके बाद मैं आपको इसका टेक्सचर और इसकी फिलिंग दिखाती हूँ। लुक एट द चीज़ एंड लुक एट द ब्रेड, कितनी सॉफ्ट है ये, अंदर से बहुत मॉइस्ट है और बहुत बाहर से क्रिस्पी है। विच पोर्शन डू यू वांट टू पिक, कॉर्नर वन और मिडल वन, टेल मी ऑन कमेंट सेक्शन। एंड मेक दिस चीजी डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड एट योर होम। प्लीज मेरी रेसिपीज को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंजॉय करिए रेस्टोरेंट का स्वाद घर पे और देखते रहिए द फ्राइंग पैन। थैंक यू।